हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। ये टेस्ट क्यों करवाते हैं, कौन सी कंडीशन में करवाते हैं, अगर ये टेस्ट में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, मतलब सपोज़ कि कोई चीज़ रेंज में ना आए, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, आज के वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार त्रिपाठी वापस आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये पूरी तरीके से हर एक ब्लड पार्टिकल्स का, या फिर बोल सकते हो कि हर एक ब्लड सेल्स का काउंट कर रहा है। वो चाहे वो हीमोग्लोबिन हो, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो न्यूट्रोफिल हो, लिम्फोसाइट हो, मोनोसाइट हो, इओसिनोफिल हो, उसके बारे में हम जानेंगे कि ये ऊपर नीचे हो जाएंगे तो क्या हो सकता है, मतलब रेंज में ना आए तो क्या हो सकता है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीबीसी का मतलब क्या होता है। सीबीसी इन द सेंस कंप्लीट ब्लड काउंट। और ये डॉक्टर जो है, सपोज़ आपको 10 या 15 दिनों तक अगर कोई बीमारी छोड़ नहीं रही है, कोई इन्फेक्शन नहीं छोड़ रहा है, तो डॉक्टर आपको सबसे पहले ये टेस्ट सजेस्ट करेगा। उससे उस डॉक्टर को पता चल जाएगा वेदर देयर इज़ इन्फेक्शन इनसाइड योर बॉडी और नॉट। आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, अगर वो हुआ है तो वो डॉक्टर कैसे पता लगाएगा सीबीसी रिपोर्ट देख के, वो हम जानेंगे। ओके, तो सीबीसी रिपोर्ट में अलग अलग पैरामीटर्स को, सेल्स को स्टडी किया जाता है। और सबसे पहला होता है आरबीसी पैरामीटर। और आरबीसी पैरामीटर में सबसे पहले देखा जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक वो प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। और अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो इसका मतलब आपको कभी भी कौन से भी वक्त चक्कर आने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर आपकी बॉडी की हर एक कोशिका, हर एक सेल, हर एक पार्ट को ऑक्सीजन की पूर्ति करनी है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए ब्लड में हीमोग्लोबिन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर वो हीमोग्लोबिन नहीं है तो आपको भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि वीकनेस और कभी कभी आप बोल सकते हैं चक्कर आना। ठीक है, तो ये पेशेंट में जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो अच्छा खासा है, मतलब ठीक है, रेंज में है, तो देर इज़ नो सच प्रॉब्लम। अब बात करते हैं टोटल आरबीसी काउंट की। तो टोटल आरबीसी काउंट में जो आरबीसी का लेवल है दैट इज़ ऑल्सो फाइन। ओके, इट मीन्स उनमें रेड ब्लड सेल्स अच्छी मात्रा में फॉर्म हुए हैं। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी को सीबीसी में इसके लिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि डब्ल्यूबीसी से ही पूरे शरीर में बीमारियों का लेखा जोखा पता किया जा सकता है कुछ हद तक। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पेशेंट में डब्ल्यूबीसी जो है वो काउंट जो है वो 4000 से 11000 है। एंड इनका जो है, ये पेशेंट जी का बता रहा है 9500, जो कि रेंज में अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अगर लिम्फोसाइट, मोनोसाइट या फिर आप बोल सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी काउंट अगर 11000 के ऊपर गया, जैसे कि समझ लीजिए किसी का डब्ल्यूबीसी काउंट 16000 है, तो मे बी उसको इन्फेक्शन हुआ रहेगा, कोई वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ रहेगा। और अगर 7 दिन के अंदर ठीक होता है, इट्स फाइन। लेकिन अगर समझिए कि किसी पर्सन का डब्ल्यूबीसी काउंट 6 महीने तक 16-17 या फिर 15000 पे अटका पड़ा है, इसका मतलब मे बी वो पर्सन को एक ऐसी सीवियर बीमारी है जो जल्दी ठीक नहीं हो रही, या फिर उसे किसी न किसी चीज़ की एलर्जी है। जी हाँ, एलर्जी में भी डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ता है। ठीक है, तो ये पेशेंट में ऐसा कुछ नहीं है। बाद में देखते हैं प्लेटलेट पैरामीटर। अब प्लेटलेट की क्यों ज़रूरत है? ओके, तो प्लेटलेट वो पैरामीटर होते हैं जो आपके ब्लड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि प्लेटलेट से ही ये पता चलता है कि वेदर पर्सन हैव गुड अमाउंट ऑफ आयरन और नॉट। आयरन बोल सकते हैं आप या फिर मैग्नीशियम बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटलेट उसी से फॉर्म होता है। तो अगर प्लेटलेट कम अमाउंट में है, इसका मतलब मे बी उस पर्सन को कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ है। जी हाँ, जब भी प्लेटलेट कम होते हैं तो पर्सन को पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया या फिर टाइफॉइड। इन तीन केस में जो प्लेटलेट का काउंट है वो बहुत ही कम हो जाता है, वो 45,000 से लेके 90,000 तक भी पहुंच जाता है। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं कि प्लेटलेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई शरीर में चोट लगती है तो वो चोट तुरंत क्यों भरती है? बिकॉज उसके लिए भी प्लेटलेट ही मदद करता है। ओके, और एक और बात अगर मैं आपको ये डब्ल्यूबीसी के बारे में बता दूँ, ये जो डब्ल्यूबीसी का ये है, कैंसर के पेशेंट का जो डब्ल्यूबीसी काउंट है वो 60,000 तक भी जा सकता है।
तो जो कि बहुत ही भयानक बात होगी। ओके, तो ये मीन्स प्लेटलेट के बारे में मैंने आपको बताया। एंड दूसरा जो है, आप देख रहे हैं कि स्मीयर में प्लेटलेट अच्छी दिख रही है, एडेक्वेट दिख रही है, बट जो एमपीवी है, ओके, एमपीवी अभी क्या होता है तो वो मैं बता रहा हूँ। तो एमपीवी में जो प्लेटलेट का साइज़ है वो मेजर किया जाता है। तो इसमें देख रहे हैं कि जो पर्सन का जो प्लेटलेट का साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो ये प्लेटलेट का साइज़ बढ़ने का कारण कुछ और हो सकता है, मतलब अगर मे बी बोन मैरो में जहाँ पर प्लेटलेट बनते हैं वो अच्छे से सिंथेसाइज नहीं हुए, या फिर और कोई कारण हो सकता है। तो वो एमपीवी बढ़ना भी किसी ना किसी तरीके के इन्फेक्शन के बारे में बयान देता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रहा है माइल्ड एनिसोसाइटोसिस। एनिसोसाइटोसिस में जो है वो जो आरबीसी का साइज़ है वो भी अपने साइज़ से अलग हो जाता है, या तो छोटा हो जाता है तो बड़ा हो जाता है, मतलब शेप में नहीं रहता। तो इसमें प्लेटलेट भी शेप में नहीं है और रेड ब्लड सेल भी शेप में नहीं है। तो ये जो है दो चीज़ों की वजह से हो सकता है। एक तो आपने हद से ज़्यादा दवाइयाँ खानी चालू कर दी हैं, मेन चीज़ पेन किलर को आपने ह्यूज अमाउंट में कंसम्स किया है, तो पेन किलर खाना भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसके लिए आपको पेन किलर खाने से बचना चाहिए, ठीक है। तो ये कारण की वजह से एक मीन्स आप बोल सकते हो कि ये माइल्ड एनिसोसाइटोसिस हुआ है। न्यूट्रोफिलिया ये कंडीशन है जिसमें न्यूट्रोफिल ज़्यादा होते हैं, न्यूट्रोफिल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, वो कफ में होती है, कफ फीवर या बुखार हो सकते हो, अर्थराइटिस हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो सब कंडीशन में जो है न्यूट्रोफिल का कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सब सीवीसी के बारे में था। एंड ये एक पूरे तरीके से ओवरव्यू देती है कि आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सेल्स हैं कि नहीं। तो इसमें ज़्यादा अगर चेंज इधर इधर हो रहा है तो डॉक्टर जो है फर्दर आप बोल सकते हो कि आगे के टेस्ट के लिए आपको भेजेगा, ओके। अगर इनसे ये सीबीसी से अगर आपका प्रॉपर पता नहीं चल रहा है कि कौन सी बीमारी है तो वो आगे टेस्ट के लिए भेजेगा। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। चलिए, बाय।